नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार में मानसून सक्रिय है। वहीं पिछले दो दिनों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। मौसम परिवर्तन की वजह से राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में अधिकांश स्थानों पर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जहां संदेश और अथवाड़ा में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, वहीं डेहरी, निर्मली, कंगेसराय, मोहनिया और अमरपुर में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही भागलपुर में सबसे अधिक तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों ट्रफ लाइन फलोदी, अजमेर, दतिया, झारखंड और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़, बालासोर और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर से गुजर रही है और औसतन समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव वाले क्षेत्र के रूप में स्थित है और वहीं 28 जुलाई के आसपास बंगाल की उत्तरी खाड़ी के आसपास के इलाकों में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ अगले 3 दिन 27, 28 और 29 जुलाई तक राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिमी भाग के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के पश्चिमी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों के लिए अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही चलिए अब देखते हैं बिहार के अन्य जिलों में अगले 3 दिन 27, 28 और 29 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज की, तो 27 जुलाई को इन जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी से भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए 27 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 और 29 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। बात करें उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्ती की, तो 27 जुलाई को इन जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए 27 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 और 29 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 27, 28 और 29 जुलाई यानी तीनों दिन मौसम लगभग एक समान होगा। जहां इन जिलों के कई स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बात करें दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के अधिकांश जगहों पर 27 और 28 जुलाई को गरज, आकाशीय बिजली के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं 29 जुलाई को इन जिले के कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहां 27 और 28 जुलाई को अधिकांश जगहों पर गरज, आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। फिर भी कुछ जगहों पर कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 29 जुलाई की बात करें तो इन जिलों के कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, बाकी के जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो 27 जुलाई को इन जिले के अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 जुलाई को इन जिले के कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं 29 जुलाई को इन जिले में अधिकांश जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके सटे इलाके के 1-2 जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई गई है, जहां अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मौसम को लेकर यह जानकारियां महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।